ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि क्या कोई अपना मेंटेनेंस को इंक्रीज करा सकता है या नहीं, यानी कि कोई भी लेडीज़ है, कोई भी वुमेन है, उसको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल रहा है हर मंथ, तो क्या वो उस मेंटेनेंस को इंक्रीज करा सकती है या नहीं। गॉट इट? तो आपको बता दें, बिल्कुल इंक्रीज करा सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ CRPC, यानी कि अल्ट्रेशन इन मेंटेनेंस, अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस, इसका मतलब ये कि आप अपना मेंटेनेंस चेंज करा सकते हो, यानी कि इंक्रीज करा सकते हो, क्योंकि कोई डिक्रीज तो कोई कराएगा नहीं, तो इंक्रीज ही कराएगा। गॉट इट? तो आप अपना मेंटेनेंस इंक्रीज करा सकते हो। तो ये तो हो गई जनरल बातें और लॉ वाली बातें, लेकिन अब प्रोसीजर क्या है इसको इंक्रीज कराने का। तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन मूव करनी है अंडर सेक्शन 127 ऑफ CRPC के तहत उस कोर्ट में जिस कोर्ट से आपको मेंटेनेंस के लिए डिग्री पास हुई थी। तो उस पे मैजिस्ट्रेट डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके सरकमस्टेंसेस देख के कि क्या मेंटेनेंस इंक्रीज करना चाहिए या नहीं, तो वो आपको इंक्रीज करके दे देंगे, यानी कि इंक्रीज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है आपकी सरकमस्टेंसेस पे। गॉट इट? सो आई होप इट इज़ क्लियर।